मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक के सद प्रकरण की शुरुआत में सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। आगे और भी पंक्तियां हैं, पहले इन्हीं दोनों पर विचार करें। ए संतों, अपने मन में सद्गुरु के लिए भक्ति लाओ, भक्ति भाव प्रकट करो। आप कह सकते हैं कि साहब तो यहां संतों को कह रहे हैं भक्ति करने के लिए, हम गृहस्थ हैं, क्या हमें भक्ति की आवश्यकता नहीं है? बात न संतों की है न गृहस्थों की है, बात मनुष्यों की है कि साधु और गृहस्थ दोनों पहले मनुष्य हैं और दोनों की आवश्यकताएं एक हैं, दोनों की मांग एक है। वो मांग क्या है? अंदर से आदमी क्या चाहता है? परम शांति, परमानंद। क्यों? क्योंकि मूल रूप में हर मनुष्य शांत स्वरूप है। अशांति, दुख, पीड़ा, यह किसी मनुष्य के स्वभाव में, स्वरूप में नहीं है। इसीलिए आदमी अशांति से, दुख पीड़ा से बचना चाहता है। दुख छूटन सब ही चाहे, यह उपाय निशोध। हर आदमी ये सोचता रहता है कि मैं दुखों से कैसे बचूं। कुछ भी करता है आदमी दुख से बचने के लिए ही करता है, दुख पाने के लिए नहीं करता, क्योंकि दुख उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। शांति जीव का स्वरूप है, किंतु अपनी शांति को हम भूल गए। जैसे पानी शीतल होता है, पानी कभी गर्म नहीं होता, सदैव शीतल होता है। आग का जब संपर्क मिल जाता है बर्तन पर रख करके, बर्तन में पानी रख दो, उसे चूल्हे पर चढ़ा दो, तो आग का जब संपर्क पड़ा तो पानी गर्म हो गया। पहले शीतल था, अब आग का संपर्क मिला इसलिए गर्म हो गया। लेकिन मूल रूप में क्या है? शीतल, ठंडा। मूल रूप में पानी शुद्ध है, निर्मल है। गंदगी का संपर्क मिलता है तो पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार हर जीव अपने स्वभाव से शीतल है, शांत है, निर्मल है, भूल गए हैं। गंदगी में रहते रहते, गंदे विचार सोचते सोचते, उत्तेजना में पड़े पड़े,
अपनी स्वाभाविकता को हम सब भूल गए हैं। कभी काम उत्तेजना, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी ईर्ष्या घृणा की, कभी बैर विरोध की, कभी राग द्वेष की, मन के वे विकार जो हमें अपने में रहने न दे। लोभ आया, आदमी अपने में नहीं रह पाता, अब सोचता है कि कहाँ से पैसा मिले, खाने को कहाँ से मिले, कहाँ से बड़ा पद मिले, कहाँ से मान सम्मान मिले, अब व्याकुलता शुरू हो गई। जब इसके लिए मन में कोई भाव नहीं था तो शांत बैठे थे, चुपचाप बैठा है आदमी, किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ नुकसान कर दिया है, किसी को उन्नति देखे हैं, सुने हैं, पद देखे हैं, प्रतिष्ठा देखे हैं, सुने हैं, ईर्ष्या आ गई। अब ईर्ष्या आ गई तो आदमी अपने आप में नहीं रह गया। सोचिए, जब जब आप गलत ढंग से सोचना शुरू करते हैं, या कहना चाहिए हम गलत ढंग से सोचना शुरू करते हैं, तब तब हम अपने में नहीं रह पाते हैं। अब सही सोचिए, प्रेम की बात सोचे, दया क्षमा करुणा शील संतोष अहिंसा, इनकी बातें सोचें, कभी मन उत्तेजित नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। आप कभी भी अनुभव करके देख सकते हो, अच्छी विचार जब तक मन में चलते रहेंगे, भीतर भी शांति रहेगी, बाहर भी शांति रहेगी। हमारे मन में अच्छी विचार चल रहे हैं तो हम गलत बोलेंगे कैसे? हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं तो हम गलत काम करेंगे कैसे, गलत चीजें खाएंगे कैसे? तो जब अच्छे विचार हमारे मन में चलते हैं, अच्छे चिंतन चलते हैं मन में, तो हम शांत है भीतर से। और जब गलत बोलेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, गलत सोच, गलत खाएंगे नहीं, तो बाहर भी शांति रहेगी। ये हमारी स्वाभाविकता है, हर आदमी की स्वाभाविकता है। लेकिन लोभ लालच में पड़कर, बाहर के आकर्षण में पड़कर, आदमी अपनी स्वाभाविकता को भूलता चला गया। अब इतनी बिगड़ गई आदत, इतनी बिगड़ गई आदत कि आदमी एक घंटा भी अच्छे विचार बराबर नहीं सोच पाता है। सत्संग में बैठे बैठे भी मन में गलत विचार चल जाते हैं, मंदिर में बैठे हैं, गुरु के निकट बैठे हैं, संसमाज में बैठे हैं, ज्ञान चर्चा चल रही है, ध्यान में बैठने का काम करते हैं, और मन क्या से क्या, क्या गलत सोच लेता है। शरीर से आदमी उतना काम नहीं करता जितना काम आदमी मन से करता है। शरीर की तो एक सीमा है, खाने बैठे हो और मनपसंद चीजें बनी हुई है, मनपसंद चीजें सामने आ गई, देख करके मन खुश तो हो गया। खाना शुरू करोगे, कितना खाओगे, अंत में पेट भर जाएगा। बढ़िया से बढ़िया चीजें रहेगी, अंत में छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन मन से आप इतना खा लोगे कि उसकी सीमा ही नहीं है। हर बात में, हर बात में। और मन कभी भी कहीं भी बहक सकता है, गलत सोच सकता है, क्योंकि आदत हमने बिगाड़ डाली है। इसीलिए हमारी जो शांति है वह नष्ट जैसी हो गई है, हमारी जो निर्मलता है, शुद्धता है, वह नष्ट जैसी होगी। नष्ट जैसी होगी नहीं, क्या हम भूल गए हैं इसलिए नष्ट जैसी होगी? वह है हमारे भीतर ही। अब जितना हम गलत सोचते हैं
मन मलिन होता जरा जाता उत्तेजित हो जाता है, अपने हम रह नहीं पाते शांत। करना क्या है अब? एक चीज हम लोग ध्यान दें कि कहीं भी रहें, घर में अकेले बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, या कुछ भी सत्संग में बैठे हैं, गुरु के निकट बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, एक चीज पर ध्यान दें कि गलत नहीं सोचना है, जो सोचना है सही सोचना है। अब जब सोचना सही हो जाएगा, जितना भी गलत सोचना है वो सब बंद हो गया। एक गलत सोचना बंद हुआ तो गलत देखना, गलत बोलना, गलत खाना, गलत पीना, गलत छूना, गलत काम करना सब अपने आप बंद हो जाएगा। जब ये सब बंद होगा तो क्या बचेगा? हमारी शांति बचेगी, हमारा सुख, हमारा आनंद जो हमारे पास था वही रह जाएगा। मूल बात मैं ये कह रहा था, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, रास्ता थोड़ा अलग अलग भले हो सकता है, वो देखने में लगता है, दोनों की दिशा एक है, दोनों का रास्ता एक है, वो क्या है? शांति, सुख, कल्याण की प्राप्ति। तो इसीलिए सहज सबको कहते हैं, सब संत हैं, सदगुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र संत हैं, क्योंकि स्वभाव संत है। अब वो व्यवहार में वो शांति आ जाए, स्वभाव से तो ठीक है, बिहार में वो शांति आ जाए तो बिहार में आदमी शांत हो जाएगा। संत कौन है? संत कौन है? जिसका मन शांत हो गया है या जो अपने मन को शांत करने के लिए काम कर रहा है वो संत है। मूल रूप में हर व्यक्ति संत है, लेकिन व्यवहार में जिसका मन शांत हो जाए, जिसकी इंद्रियां शांत हो जाए, वो संत हो गया। और ऐसा काम साधु, गृहस्थ, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हर आदमी के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए साहब कहते हैं, तुम संत हो, तुम शांत हो, भूल गए हो अपनी शांति को, तो करना क्या है? सद्गुरु के लिए भक्ति लाओ, सद्गुरु की भक्ति करो। हमारे जीवन में भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर ने तो यहां तक कहा है, भक्ति निशेनी मुक्ति की चढ़े संत सब धाए, नीचे बाघिन लुकी रहे, कुचल पड़े को खाए, उतर पड़े को खाए, भी ऐसा भी आता है। भक्ति क्या है? मुक्ति की निशेनी है। अब प्रश्न फिर होता है, मुक्ति निशेनी है तो मुक्ति तो देखा नहीं किसी ने, मरने के बाद मुक्ति होगी कौन बताएगा? मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति। और जीते जी मुक्ति का अर्थ है कि किसी भी बात को लेकर हमारे मन में दुख ना होने पाए। चीजें बनेगी, बिगड़ेगी, मिलेगी, बिछड़ेगी, परिवार में किसी का जन्म होगा, किसी की मौत होगी, और बहुत कुछ जीवन में घटनाएं होगी, घाटा होगा, मुनाफा होगा, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में मन दुखी ना होने पाए, ये जीते जी मुक्ति का अनुभव कोई कर सकता है। मुक्ति का प्रमाण यही है, लोभ भी ना होने पाए। लोभ है किसी का, पैसे का लोभ है, घर जमीन जायदाद का लोभ है, मठ आश्रम का लोभ है, पूजा प्रतिष्ठा का लोभ है, मान सम्मान का लोभ है, चेला गुरुवाई का लोभ है,
तो फिर बिगड़ जाएगा काम, बनेगा नहीं। लोभ ना होने पाए, जब लोभ नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो मन में हलचल नहीं होगी, जब हलचल नहीं होगी तो हर समय आनंद ही आनंद है। ये जीती जी मुक्ति का अनुभव कोई कर सकता है, हर समय शांत संतुष्ट निश्चल निर्भय मन होना, और इसके लिए भक्ति ही है। जिस आदमी ने भक्ति छोड़ा वह आदमी भीतर से तो पतित होता ही है, बाहर से भी उसका पतन हो जाता है। लेकिन भक्ति किसकी करनी है? सद्गुरु की भक्ति करनी है, क्योंकि सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं। अभी सुन रहे थे भजन, गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु और सद्गुरु एक ही बात है। गुरु के बिना कल्याण का मार्ग कौन बताएगा, गुरु के बिना दुख से बचने का मार्ग कौन बताएगा। हर आदमी तो दुखी है, और जो दुखी है वह आदमी दुख से मुक्त होने का रास्ता कैसे बताएगा। जब दो दुखी आपस में मिलेंगे तो दुख घटेगा या बढ़ेगा? दुख तो और बढ़ना है। एक दुखी है और एक दुख से छूट गया है, तो जो दुख से छूट गया है वह आदमी दूसरे आदमी को दुख से छूटने का रास्ता बताएगा, वो भी छोड़ दिया वैसे दुख का, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु जो दुख से मुक्त है, सद्गुरु की कोई जाति नहीं होती है। कोई भी आदमी सद्गुरु होता है, वैसे तो असली गुरु भीतर बैठा है, जो सबके हृदय में चेतन जीव है, आत्मा है, वो गुरु है। विवेक उसका स्वरूप है, तो विवेक गुरु है। बाहर के गुरु का काम होता है भीतर के गुरु को जगा देना, लेकिन कब? जब हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो, तब गुरु की बातों पर विश्वास हो। व्यवहारिक बातों में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन कल्याण का मार्ग जो बता रहे हैं गुरु, विवेक वैराग्य की जो बातें बता रहे हैं, उन पर पूरा विश्वास हो, तब काम बनेगा। इस पर एक उदाहरण याद आ गया, गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी में पानी गहरा था, धारा तेज थी। गुरु तो तैरना जानते थे, कई बार आए गए थे, शिष्य पहली बार उस रास्ते से जा रहे थे, तैरना भी नहीं आता था उसे। जब दोनों नदी किनारे गए तो गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा तुम्हें तैरना आता नहीं है, ऐसे पार करोगे तो बह जाओगे तुम, मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि तुम भी पार हो जाओ। गुरु ने जो कहा तुम मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। गुरु ने फिर कहा, बेटा नदी गहरी है, धारा तेज है, पार करना है, मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मेरे सहारे से तुम भी पार हो जाओ। फिर भी गुरु ने हाथ नहीं पकड़ा, नहीं शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु ने तीसरी बार कहा तो भी शिष्य ने हाथ ध्यान नहीं दिया, गुरु का हाथ पकड़ा ही नहीं। जब तीन बार कहने पर भी शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा, तो गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया। अब पार तो करना था, और शिष्य का हाथ पकड़ लिया, दोनों फिर नदी को पार कर गए। नदी को जब पार करके कपड़े बदल लिए, तब गुरु ने शिष्य से कहा,
मैंने तुम्हें 3 बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो तब पार करना है, फिर भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़े, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसी बात नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास था और अभी भी पूरा विश्वास है। तो शिष्य ने जब ऐसा कहा, गुरु ने कहा, तब कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़े? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे अपने पर विश्वास नहीं था, आपने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था कि धारा तेज होगी तो कब मैं आपका हाथ छोड़ दूं, कब मेरा आपका हाथ मुझे छूट जाए, मुझे अपना विश्वास नहीं था, लेकिन आपने हाथ पकड़ा तो मुझे पूरा विश्वास था कि चाहे जो हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, ऐसा विश्वास। लेकिन ऐसा विश्वास किस पर? जो सच्चे वैराग्यवान जो गुरु होते हैं, आत्मनिष्ठ, उन्हीं को हम सदगुरु कह सकते हैं। ऐसे गुरु पर विश्वास रखना, उनके बताया जो कल्याण का मार्ग है, उस कल्याण के मार्ग पर चलना, कहीं लोभ मोह में ना पड़ना, ये गुरु के प्रति भक्ति करना होगा। खाली गुरु के कपड़ा धो दिए वो भी जरूरी है, भोजन पका दिए और कुछ अन्य काम कर, ये भी तो व्यवहारिक क्षेत्र में ये भी जरूरी है, लेकिन इतने तो रह गए। और गुरु जो कल्याण का मार्ग बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, उस पर विश्वास नहीं है, कहीं गुरुवाहिक चक्कर में पड़ गए, कहीं मंत्री चक्कर में पड़ गए, कहीं पूजा प्रसाद चक्कर में पड़ गए, तब तो फिर पतन रखा रखा जाए। यहां तो गुरु कबीर कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरानी, ऐ संतों गुरु के लिए भक्ति लाओ। जब गुरु के प्रति हमारे मन में भक्ति होती है तभी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिते प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे देव के लिए आदमी के मन में भक्ति होती है, वैसी ही भक्ति, वैसा ही समर्पण भाव जब गुरु के लिए होता है तब उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। भक्ति भावना का अर्थ क्या है? निश्चलता, निष्कपटता, विनम्रता, सरलता, समर्पण भाव। समर्पण भाव किसके लिए? कल्याण के लिए। जब कल्याण के लिए समर्पण होगा तो गुरु के लिए समर्पण होगा। कल्याण का प्रेम घटे, कल्याण के लिए जब प्रेम घटेगा, शांति के लिए जब प्रेम घटेगा, आनंद पाने के लिए जब प्रेम घटेगा, तो संतों गुरुजनों के प्रति भी प्रेम अपने आप घट जाएगा, फिर भक्ति नहीं रहेगी। दुनिया का कुछ भी लोभ आया, दुनिया के प्रति आकर्षण आया, दुनिया की सेवा करना है, उसके लिए काम करना है, व्यवहार भी करना है, क्योंकि बिना व्यवहार किए, बिना काम किए जीवन का निर्वाह नहीं होगा, जीवन चलेगा नहीं, इसलिए काम भी करना है और लोगों से व्यवहार भी करना है। लेकिन ये काम करना, व्यवहार करने की मजबूरी है, मजबूरी इसलिए है कि बिना खाए हमारा जीवन चलेगा नहीं, और खाना है तो कमाना भी पड़ेगा, आकाश से तो भोजन पककर का आएगा नहीं, जमीन से तो निकलेगा नहीं, उसके लिए करना पड़ता है, कोई खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, मजदूरी करता है, कुछ न कुछ काम करता है, ये मजबूरी है। अकेले रह नहीं सकते, लोगों के साथ रहना होगा, इसलिए परिवार बनता है, समाज बनता है, वहाँ व्यवहार भी करना पड़ता है। लेकिन इतना ही करते रह गए, आगे जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आया, ये सब केवल एक निरर्थक ही हुआ। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, आदमी कमाता क्यों है? खाने के लिए। खाता क्यों है? जीने के लिए। अब जीता क्यों है? लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए।
तो ऐसा तो है नहीं। कमाना है खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, जीना है भजन के लिए, और भजन भक्ति एक ही बात है। भजन का मतलब है वह काम, वह व्यवहार, सब कुछ जिससे लोगों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण हो, शील पूर्ण हो, दया पूर्ण, क्षमा पूर्ण हो, और धीरे धीरे हमारे अंदर के जो दोष दुर्गुण हैं वो दूर होते चले जाए, भीतर मजता चला जाए। भक्ति भी कर रहे हैं और भीतर मज नहीं रहा है, भीतर और मलिन होता चला जा रहा है, भीतर की गंदगी बढ़ती जा रही, दुख बढ़ता जा रहा है। तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ लोभ के कारण से हम काम कर रहे हैं। भक्ति में संसारिक कोई कामना नहीं होती है, कोई चाहना रख करके हम भक्ति करते हैं, हमें धन मिल जाए तो गुरुवाई मिल जाए, कि गद्दी मिल जाए तो ये मिल जाए तो वो मिल जाए, वो भक्ति नहीं है, एक प्रकार का व्यापार है। और व्यापारी आदमी कभी अंदर से सुखी नहीं हो सकता है, उसमें घाटा मुनाफा लगा रहता है व्यापार में। जब संसारिक किसी चीज की पाने की इच्छा ना हो, केवल एक शांत, क्योंकि शांति ही जीवन का लक्ष्य है। धन बढ़ गया, पद बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, मठ मकान बढ़ गए, बहुत परिवार बढ़ गया, समाज बहुत बड़ा हो गया, मतलब संसार का जो ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और मन अशांत हो गया, मन में हमेशा पीड़ा बनी हुई है, तो बाहर का बढ़ना किस काम का। ये साहब ने कहा है, जो किसान किसानी करी उपजे खेत बीज नहीं परी। किसान किसानी करता है, डंठल बहुत बड़े बड़े हुए, खूब बड़े बड़े हुए, लेकिन बीज नहीं पड़ा, तो डंठल के बढ़ जाने से किसान को फायदा क्या हो, सब सारा घाटा है। डंठल भले भले ना हो, दाने पड़ने की आवश्यकता है। किसान डंठल के लिए काम नहीं करता है, किसान दाने के लिए काम करता है, बीज के लिए काम करता है। अब वही किसान ने मेहनत तो बहुत की, खाद पानी ये सब जो चाहे सब किया, डंठल बहुत बड़े हुए, बीज नहीं पड़े, बीज पड़े भी तो दाने पके नहीं, कच्चे रह गए, किसान की सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसे हम और आप सब किसान हैं, काम बहुत कर रहे हैं, दाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मन शांत नहीं है, दुख दूर नहीं हो रहा है, भीतर में जो आनंद अनुभूति होनी चाहिए तो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, मन चंचल का चंचल बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है, तो दाना कहाँ पड़ रहा है। भक्ति करने का अर्थ होता है दाना पड़ना, भीतर मन का शांत संतुष्ट हो, प्रसन्न होते रहना। जा मैंने पहले कहा था कि चीजें आएगी जाएगी, मिलेगी बिछड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, जन्मना होगा मरना होगा, घाटा मुनाफा होगा, निंदा प्रशंसा होगी, मान अपमान सब कुछ होगा, और ये सारी हलचल के बीच ये सबको सहते हुए भीतर से हमें निश्चल रहना होगा, भीतर मन चंचल ना होने पाए। जैसे समुद्र, समुद्र के ऊपरी सतह पर हम देखते हैं कि बड़ी हलचल है, बड़ी हलचल है, लेकिन समुद्र की गहराई में जाओ तब गंभीर है, वहां हलचल नहीं है। ऐसे जीवन के ऊपरी सतह पर तो हलचल रहेगी ही रहेगी, बाहरी हलचल से कौन बचेगा, बड़े से बड़े वैराग्यवान भी नहीं बचे बाहरी हलचल से, वो भी लोगों से मिलते जुलते हैं, बात व्यवहार करते हैं, समय से प्रेम करते हैं, समय से डांट भी देते हैं गलती देख करके, लेकिन उसका मन गंभीर समुद्र के समान गंभीर ही बना रहता।
जब हम उनके पास जाते हैं तब हमें वही प्रेरणा मिलती है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संतों भक्ति सतो गुरानी, ऐ संतो सद्गुरु के लिए भक्ति लाओ। क्यों? हमें शांत रहना है, अपनी शांति को हम भूल गए हैं, अपने आनंद को हम भूल गए, हम बाहर खोज रहे हैं उस शांति को, हम उस आनंद को, सुख को बाहर खोज रहे हैं, और जितना बाहर खोजते हैं उतना हम भटकते चले जाते हैं। जो भी बाहर सुख खोजेगा, आनंद खोजेगा, शांति खोजेगा, भटकेगा, जितना शांति को बाहर जितना खोजेगा उतना अशांत होगा, सुख को बाहर जितना खोजेगा उतना दुखी होगा। अब देख सकते हो खुद तितवा रहे हैं, लगता है कि हो रहा है, लेकिन भीतर कमी 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 का अनुभव, पूरी प्रसन्नता हो, कमी का कोई अनुभव ना हो, तब समझना होगा कि हाँ अब काम पूरा हुआ है। इसीलिए सच्चे सद्गुरु की भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति मतलब समर्पण, कल्याण के लिए एक निष्ठर समर्पण भाव, और भी सरलता, बिना निश्चलता। जब तक मन में निष्कपट नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, और पाने की जो चाहना है चाहना का त्याग नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का अर्थ है सरल मन, निश्चल मन, निष्कपट मन और चाहना रहित मन। चाहे वो साधु गृहस्थ तो कोई भी हो, ऐसी भक्ति जब आ जाएगी तब जैसा हमारा स्वरूप शांत है हम वैसे ही शांत रह जाएंगे, और फिर सारा दुख खत्म हो जाए, हमारा हो जाएगा। और जब मन शांत हो गया बाहर भी शांत हो जाएगा, फिर तो सदा सदा के लिए जिसे मुक्ति गति कहते हैं उसका भी हम अनुभव कर सकेंगे। इसलिए सद्गुरु का आदेश है, ऐ संतों भक्ति सद्गुरु के करो। भक्ति हम करते हैं, गुरु की भक्ति छोड़ करके ज्ञान कहीं और नहीं मिलना है। बाहर आप हम अपने गुरु के चित्र की भक्ति करें, गुरु के चित्र बना लें, बढ़िया से बढ़िया चित्र बना लें, गुरु के सोने की मूर्ति बना लें, और गुरु की भक्ति ना करें, गुरु के मूर्ति की भक्ति करें, गुरु के चित्र की भक्ति करें, तो वहां से ज्ञान नहीं मिलेगा, वहां से बोध नहीं मिलेगा। बोध और ज्ञान तो मिलेगा गुरु की भक्ति करने से, और गुरु का नाम जपने से भी नहीं होगा, गुरु के कहना मानने से होगा। तो असली भक्ति को हमें समझना होगा। असली भक्ति क्या है? समर्पण भाव, वो भी कल्याण के लिए समर्पण भाव, जहां लौकिक वस्तु की कामना ना हो। ऐसे जब भक्ति हो जाएगी तब सच्ची शांति मुक्ति की प्राप्ति होगी और हमारा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति आधार पर मैंने की, समय पूरा हो गया है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव।